दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आधार यूपीआई जो है यूको बैंक में स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं किस तरह से आप यूको बैंक में आधार यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, आधार से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं विदाउट डेबिट कार्ड के। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बैंक में धीरे धीरे यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि NPCI का ये नोटिस जारी किया गया था, सभी बैंक में 30 जून के पहले आपको ये आधार यूपीआई का फीचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूको बैंक में स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे भीम एप्लीकेशन में ये फीचर स्टार्ट किया गया है। तो भीम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो जो आप बैंक अकाउंट लिंक किए होंगे तो उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगेट पिन। तो यहाँ पे फॉरगेट यूपीआई पिन पे आप क्लिक करेंगे। फॉरगेट यूपीआई पिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, डेबिट कार्ड आधार नंबर। तो डेबिट कार्ड तो आप जानते ही, डेबिट कार्ड का लास्ट का आप नंबर इंटर करते हैं उसके बाद आपका यूपीआई पिन बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको आधार नंबर के द्वारा बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार नंबर का भी ये फैसिलिटी दे दिया गया है। तो यहाँ पे आधार नंबर से अगर आप यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं तो आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए। जो आधार में मोबाइल नंबर है वो बैंक अकाउंट से आपके लिंक होने चाहिए। जो आपके यूको बैंक में जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आधार नंबर पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप आधार नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है, क्रिएट 4-डिजिट UPI पिन यूजिंग योर आधार डिटेल्स। तो यहाँ पर आपका आधार नंबर का 4-डिजिट लास्ट का यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर का लास्ट का 4-डिजिट यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ऐसा करने के बाद आपके सामने में प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर 6-डिजिट आधार OTP। तो आधार की तरफ से आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया होगा, तो वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है वही खाते में भी मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए। जो खाते में मोबाइल नंबर लिंक है वही आधार नंबर में भी, वही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए। यानी कि सेम मोबाइल नंबर बैंक में भी और आधार कार्ड में भी होनी चाहिए, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं आधार की तरफ से यहां पे आपको OTP दिया जा रहा है। तो यहां पे जो आधार की तरफ से OTP आया है आपके मोबाइल नंबर पे, वो OTP यहां पे इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो आधार की तरफ से OTP आया है, तो चलिए हम यहाँ पे OTP इंटर कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर 6-डिजिट बैंक OTP। अब जो है आपके बैंक की तरफ से OTP भेजा जाएगा। जो आपके बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पे आपको OTP भेजा जाएगा, वो OTP यहाँ पे 6-डिजिट का यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद राइट वाले निशान पे क्लिक करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे सेट 4-डिजिट UPI पिन। तो यूको बैंक में जो है 4-डिजिट का यहाँ पे अभी बन रहा है UPI पिन। तो जो भी आप अपना UPI पिन देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं मनपसंद, वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद राइट वाले निशान पर क्लिक कर देंगे और ऐसा करने के बाद आपके सामने में फिर से कंफर्मेशन के लिए 4-डिजिट का जो आपने UPI पिन रखा है सेम वही यहां पे रखेंगे। इसके बाद राइट वाले निशान पे आप क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का स्क्रीन खुलेगा और यहां पे आपका आधार UPI सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके जो है भीम UPI एप्लीकेशन में यूको बैंक के खाते में आपका आधार से UPI पिन सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप यूको बैंक में आधार UPI पिन सेट कर सकते हैं। दोस्तों धीरे धीरे सभी बैंकों में आ रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि NPCI का कहना है 30 जून के अंदर में आपको सभी बैंकों में ये फीचर देखने को मिलेगा आधार UPI। तो लगभग यहाँ पे 7 से 8 बैंकों में ये फीचर आ चुका है। अगर वो आप देखना चाहते हैं किन किन बैंकों में ये फीचर आया है, उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे जुड़ी अगर कोई भी और हमारे पास अपडेट आता है आधार UPI से जुड़ी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।